किया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारकवा तला के असम में से छिहत्तरवे नंबर पर सेवनटी सिक्स और वह अहिर अरु का मानो खूब आया जाहिर ये अल्लाह तबारकवा तलाफाती नाम है और कुरानी करीम में एक मरतबा अल्लाह ने इसको दोहराया है और इसके जो है जो अदद कबीर हैं सौ ग्यारह सौ छः हैं ग्यारह अलेवन हंड्रेड सिक्स और इसका जो अद मुफरद है वो एट है, है। आठ तो बड़ा अजीब व गरीब नाम है क्योंकि ये नाम ही इस बात को वाज कर देता है कि अल्लाह की जात जब वो जाहिर है आज दुनिया में सबसे बड़ा एक फितना ये है का ही होता है कि अल्लाह नज़र क्यों नहीं आता यह सवाल ही अहम है जिस जात ने यह कह दिया हो कि अस जाहिर हूँ मैं जाहिर हूँ तो उसके बारे में ये सवाल करना की नज़र क्यों नहीं आता इसका मतलब है कि आपकी नज़र के अंदर कोई नक्श है उसके आयाँ होने में नक्श नहीं है तो क्योंकि उसका आया होना तो उसके सिफाती नाम है उसकी ये सिफत के अंदर शामिल है तो कैसे हो सकता है नजर ना आए हाँ कोई और बात है जो नज़र नहीं आता उसकी वजह यह कि नज़र दो तरह की चीज़ें नहीं आती एक वो नज़र नहीं आती जो पोशीदा होती हैं मख्फी चीज वो नजर नहीं आती एक वो चीज़ जो बहुत ज्यादा आया हो जाए बहुत ज्यादा जाहिर हो वो भी नजर नहीं आती अब एक लाइट है रोशनी आपके बिल्कुल आंख के पास कर दी जाए आपको नजर नहीं आएगी क्योंकि आपकी आंख में इतना तामुल नहीं आपकी आंखें खीरा हो जाएंगी और आप देख नहीं पाएंगे आप तजर्बा करते हो सूरज को देखते हैं आप नहीं देख पाते लेकिन आप न सर नीचे करके धूप को देख के कर यार सूरज निकलावा भाई तो धूप जब दलील बन जाती है कि सूरज है इतना आया है कि इतना आया है कि हमारी आंख ही नहीं उसको देख पाती लेकिन उसके आसार जो है धूप के वो आपको बता देते कि सूर्य बिल्कुल आया है नक्स हमारी आंख में है उसके आया होने में नहीं है इसलिए एति जी सवाल ये कर देते हैं ना कि अल्लाह नजर क्यों नहीं आता तो वो तो इतना उसका सिफत ही जाहिर हुआ है वो तो आया है नजर आता है लेकिन असल में कमज़ोरी तुम्हारी आँख आँख में है क्योंकि ये उसी है कि अजल बदियात नजर ही होता है बहुत ज्यादा वाजे हो जाए चीज जो बहुत ज्यादा तो वो भी नजरी हो जाती वो भी नजर नहीं आती जैसे मैंने कहा आँख के बिल्कुल करीब अगर टार्च को कर दें तो वह आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा दूसरे देखने वाले कहेंगे यार टार्च है तुम्हारी आंख के पास तुम कहो यार मुझे कुछ, ही, कुछ आंखी मेरी तो बंद हो रही है नजर ही नहीं आ रहा ठीक है ना इवन खुद आंख जो है वो कितनी जाहिर है ऐसी जाहिर है कि हर ज़ाहिर को देखती है लेकिन बेचारी अपने आप को नहीं देख सकती तो जो आंख इतनी नाकिस है कि सारी दुनिया को देखती अपने आप को नहीं देख सकती तो ये दावा करे कि मुझे अल्लाह दिखाओ तो इस आंख का कसूर है ना तो इसलिए एथियस को अपनी असलाह करनी चाहिए कि वो खाम खा इस नाकिस आंख से वो अल्लाह को देखना चाहता है कि जो आंख खुद बिचारी अपने आप को नहीं देख सकती तो मालूम हुआ कि अल्लाह जाहिर है इतना जाहिर है कि जनाब वो हमारी आंख खीरा हो जाती है क्यों और जाहिर किस तरह है अपनी अफाल और सिफात की के जरिए से जाहिर है जैसे मैंने कहा धूप को देख के हम कहते हैं सूरज निकल गया तो वो सूरज जो है वो धूप के जरिए से जाहिर है तपिश के जरिए से जाहिर है और हम दलील पकड़ लेते हैं जी सूरज निकल आया, बल्कि कमरे में बैठे बड़े खिड़की से झांके के सूरज निकल आया हालांकि सूरज को देखा नहीं आपने धूप को देखा तो अल्लाह भी अपने अफाल और जा अपनी जो है सिफात के जरिए से कि पूरी कायनात के जर्रे जर्रे के अंदर अल्लाह की कुदरत और रहमत कार फरमा है तो वो ये चीजें बता रही हैं कि भी वो अल्लाह की एक जहात है कोई ये पौधे उग रहे हैं एक तरह का पानी एक तरह की खाद एक तरह की हवा और रोशनी लेकिन फल अलग अलग, अलग जायके के अनार का अलग जायका सेब का अलग जायका आम का अलग जायका एक ही जमीन लेकिन वो फल अलग अलग जायका लेके अलग अलग शेप लेके निकलते हैं तो यार कोई है जो ये सारे तसरुफात कर रहा है वही खुदा है तो ये है ज़ाहिर तो जाहिर का जो है वो अल्लाह तबारक का सिफाती नाम और बड़ा ज़बरदस्त नाम है इसका एक नफ़ा ये है कि इंसान की अगर बीनाई कमज़ोर है या ये कि कमज़ोर नहीं है लेकिन चाहता है कि वो रोशनी उसकी बीनाई कायम रहे या मजीद बढ़े उसमें बड़ी ज़बरदस्त तासीर है इसमें इशराक के वक़्त में जिस वक्त सूरज तलु हो रहा होता है उस वक्त में पांच सौ मरतबा इसका विरध करें या जाहिर या जाहिर या जाहिर अल्ला आखिर जो है ग्यारह मरतोदीफ पढ़ के जो है अपने आंखों के ऊपर दम करे पोरों पर दम करके आंखों पर मले और जो दुआ कर ले तो ये नब्बे दिन की लिए से शुरू कर ले आंखों की बिनाई बढ़ जाएगी सुबह तेज़ हो जाएगी लिहाजा मैं कहा करता हूँ कि शुरू में जब इंसान शुरू करे तो आंखों की बिनाई का चेक करवा ले कि नंबर क्या है उसके बाद ये नब्बे दिन करके अब चेक करवाएं इन शाला अल्लाह के नाम में इतनी ताकत है आपकी बिनाई का नंबर जो है वो गए कि देखने का बढ़ जाएगा चश्मे का कम हो जाएगा इतनी ताकत है इसमें और दूसरा फ़ायदा इसका यह है कि जुमे के दिन जुमे के दिन अगर जो है पाँच सौ मरतबा पूरे जुमे के दिन में किसी भी आ कर ले यानी तलु फजर से ले कर गरूब शमस तक जुमे के जुम्ह जुम्ह दिन में किसी भी वक्त बैठ के ये एक हज़ार मरतबे इसको पढ़ ले और एक हज़ार ना पढ़ सके तो पाँच सौ पढ़ ले और नीयत करे कि मेरे कलब की आंख रोशन हो जाए जैसे सर की आंख रोशन है तो एक चिल्ला करे फोर्टी वन डेज पाबंदी से करे ज़बरदस्त तासीर है कि अपने दिल को रोशन पाएगा ही ये इसके अंदर तासीर। है। और एक तासीर यह कि ये चाहता है कि मेरी अंदर बसीरत की आंख खुल जाए बस बा, बातिन की आंख खुल जाए उसके लिए ज़बरदस्त तासीर है कि इसको कसरत से पढ़े कसरत से चलते फिरते उठते या जाहिर या जाहिर या जाहर ये तो सब ये करें और अगर इस तरह नहीं कर सकता तो फिर एक हज़ार मरतबा जरब के साथ पढ़े जरब का मतलब यह है कि अपने ज़रब दिल पर लगाएगा या ज़ाहिर या ज़ाहिर या ज़ाहिर एक हज़ार मरतबा अल्लाख यार मत रुशी पढ़ ले और उससे पहले दुआ कर ले अल्लाह से कि अल्लाह मुझ भी चीज़ जाहिर कर दे मुझे दौलत बातिन की अत कर दे तो अल्लाह उसकी जब बसियरत के यहाँ खोल दे यानी कशवे बात उसका खुल जाएगा सुबह अल्लाह उस पर इनाम इलाका या मुकाशफे के चीज़ें जाहिर करने लगेंगे तो ये ज़बरदस्त इसमें तासीर है और एक तासीर यह कि आप चाहते लोग हो लोग मुझ पर मेहरबान हों मुझसे मोहब्बत करें मैं सबकी नज़र में महबूब हो जाऊँ और ख़ास तौर पर उन बच्चियों के लिए जिनका रिश्ता देखने के लिए कोई लोग आ रहे हैं वो चाह रही या लड़का चाहता है कि मुझे पसंद कर ले मैं फ़ला जगह जा रहा हूँ तो अपने आप को किसी की नज़र में महबूब करने के लिए किसी नज़र में मैं जच जाऊँ उसके लिए इसमें ज़बरदस्त तासीर है कि अगर सुरमा लगाने का उसका मामूल है तो सुरमा जो है उस सुरमे के ऊपर ग्यारह मरतबा या जाहिर या जाहिर पढ़े अब्वलाखिर एक दफ़ा दुरुषी पढ़ ले पढ़ के सुरमे पर दम करे और वहाँ को भी सुरमा लगा के जाए और आज कल चूँकि सुरमे का रिवाज नहीं है तो लोग ये कम ही लगाते हैं तो उसका तरीका ये है कि जो भी चीज़ चेहरे को लिए इस्तेमाल करें मतलब औरतें तो यहाँ पर चेहरे के ऊपर फेस पाउडर लगा रही हैं या कोई ऐसी चीज़ लगा रही हैं वो उसके ऊपर ग्यारह दफ़े फूक लें अब उसको लगाएं या जो है वो अरके गुलाब के ऊपर जो फूंक ले अरके गुलाब को हाथों मल के चेहरे पे थोड़ा सा अरके गुलाब मल ले तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसको चेहरे की जीनत की इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर ग्यारह दफ़ा फूंक के ये कर लिया करे इन शह जहाँ जाएगा लोग मेहरबान होंगे गए हाथों लेंगे ऐसी तसीर इसके अंदर है और एक तासीर यह है कि दुश्मन जो है परेशान करता है और वो या बॉस जो है बड़ा अक्खड़ दिमाग है बेइजत करता है जब काम पूरा करता हूँ लेकिन यह उसका सही क्रेडिट नहीं देता नक्श ही निकालता रहता है उसके लिए इसके अंदर बड़ी तासीर है कि जब उस दुश्मन के सामने जाए अगर सामने जाने का की सूरत नहीं है तो फिर तस्वुर बांधे कि वो मेरे सामने खड़ा है यह तस्वर करे और या जाहिर जो है इकतालीस मरतब फोर्टी वन टाइम पढ़े या ये कि अपने नाम के अदद के एतबार से पढ़ ले तो पढ़ के अवला के ग्यारह मरतरूशीफ और पढ़ के जो है तस्वुर में उसके ऊपर फूंक दे या सामने है तो हल्का सा यूँ फूक दे बस उसके बाद उसके सामने जाए इन श्ला वो बिल्कुल अखड़ दिमागन दिखाएगा और आपको जो हक़ है पूरा पूरा तो मिलेगा और मगलूब हो जाएगा कभी आप पर गलबा नहीं पाएगा ये इसके अंदर तासीर तो और अगर ये ख्वाब के अंदर ये नाम देखा और सुना तो अल्लाह तबारक वताल आपको इन शह लोगों की नज़र में या आपकी औलाद में से किसी को जो है अखल के ख़ुदा की नज़र में अल्लाह महबूब और मंजूरी नजर कर देगा ये बशारत है सुबहानल्लाबहानल् हजरत हमेशा की तरह फिर कुछ ये फार्मूला ऐसा है कि जिसको अपनाना जो है बड़ा ज़रूरी है एक एक जो जो बसीरत की आँख की जो आपने बात कर दी हम चाहे ना चाहे कहें ना कहें माने ना माने हर मुसलमान के दिल में है दिल ये बात सही है बात। ना तो तो चाहे वो कितना इस्लाम से दूर हो लेकिन उसके दिल में यही है कि अल्लाह मेरे साथ हो जाए चाहे चाहे खुद अल्लाह के साथ ना हो ना? तो तो लेकिन ये एक ये एक फार्मूला आपने दिया कि बसीरत की आँख खोलने का एक तरीका है और, और आसान तरीका है फिर आपने आंखों के डॉक्टरों का काम कर दिया आज <laughs> <थंदे कर> <laughs> क्लिनिक क्लिनिक ठंडे ठंडे कर कर दिए दिए लेकिन ये भी जरूरी है देखिए देखिए दे 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 बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं एनके लगाए हुए होते हैं तो अगर माँ बाप उनके लिए ये अमल शुरू कर दें तो उनकी जो एनक दस साल में उतरनी है वो छह साल में उतर जाएगी है बात आपकी काट रहा हूँ जी तो मैंने ये अमल किया कुछ अर्सा जी तो मैं जब चेकअप करवाने गया तो नंबर मेरा कम हो गया सुबह तो वो डॉक्टर कहने लगी कि ये तुमने क्या किया ये नंबर कम हो गया तुम्हारा अच्छा। एज ज्यादा और ये नंबर तुम्हारा कम हो गया तो हाँ। दो साल पहले तो नंबर ये था अच्छा तो क्या किया तुमने अब मैं सोचा ये बेचारी क्या समझेगी हाँ। मैं कि मैं गाजर का जूस पीता रहा अच्छा। ओह वेरी उसे नोट किया हाँ। कि कैरेट के जूस पिया इसने हाँ। कि नजर तेज हो गई हाँ। तो मेरे साथ जो साथी था वो कहने लगा वो बता मैं इसको क्या पता मैं और, और देखिये कल्ब की आँख है बिनाई है, बसीरत की आँख है तो ये 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 खोलने का तरीका और जो जो और काम की बात है यहाँ वो माँ बाप की परेशानी है बच्चियों की शादियों की ठीक है तो उसके लिए बच्चियों को महबूब करवाना दूसरों की नज़रों में वो और फिर बॉसेस के सामने अपने आप को बॉसेस का जो जो मिजाज है उसको दुरुस्त करने का तरीका इकतालीस दफ़ा पढ़ने की तो ये सारी बातें जो है ये रोज़मर्रा के इस्तेमाल की बातें हैं तो इसीलिए ये आपके जो फार्मूले हैं इस क़दर मुझे बेहतरीन लगते हैं कि इनका हम ताल्लुक हमारे रोज़ की जिंदगी सुबह शाम की ज़िंदगी से तो तो उस सिलसिले में और ग्यारह दफ़ा पढ़ना मतलब वो क्रीम पे पढ़ लें या इस किस्म की चीज ठीक है ना तो वो, वो खातिन को तो चेहरा बेहतर बनाना ही है नहीं। तो तो कर लें ये काम करके कर तो देखें, कर देखें।, कर देखें। बहुत खूब हसर थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस दिस फॉर्मूला